दोस्तों हाल ही में रूस ने एक ऐसी बड़ी चीज हासिल कर ली है जिसे देखकर अमेरिका समेत चाइना की भी चिंता बढ़ने लगी है। तो दरअसल पिछले कुछ दशक से अमेरिका, चीन, रशिया ऐसे बड़े बड़े देश ये कोशिश में लगे हुए थे कि वो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाएंगे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करके उसे मार गिराए। लेकिन अफसोस, अमेरिका और चाइना को इसमें सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टॉप स्पीड 10 मैक तक होती है। इसलिए दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा रडार नहीं बना था जो इसको ट्रैक कर पाए। लेकिन अभी हाल ही में रूस ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्टिंग किया है, जिसमें अपने 500 से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। यानी रूस ने अब वो हासिल कर लिया है जिसे अभी तक पूरी दुनिया बनाने में सफल हो रही थी। और ये सब कुछ देखकर चाइना की इसलिए फटी पड़ी है क्योंकि चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। ऐसे में रूस अगर ये S-500 भारत को दे देगा तो चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत बड़ी आसानी से काउंटर कर सकेगा। तो क्या हमें रूस का S-500 को अपनी सेना में शामिल करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।